मैं पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्पेसिफिक स्पीड के बारे में बताया था, स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है और इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। आज मैं आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पर करूंगा और आपको समझाऊंगा किस तरह से इसको यूज करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है एक टरबाइन, क्वेश्चन है एक टरबाइन टरबाइन डेवलप डेवलप्स 700 टू 7,225 किलोवाट पावर पावर अंडर हेड ऑफ ट्वेंटी 5 मीटर 45 मीटर एट 135 आरपीएम। कैलकुलेट स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टर्बाइन एंड स्टेट स्टेट द टाइप ऑफ द टर्बाइन। तो पहले हम इसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का तरीका ये है कि पहले हम ये लिख लें इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स दिए हुए हैं। जैसे तो पावर दी हुई है, पावर को पी से दिखाते हैं। 700 7,225 किलोवाट पावर। हेड कितना दिया हुआ है? जो नेट हेड होता है दैट इज गिवन 25 मीटर। आरपीएम एन दिया हुआ है 135 आरपीएम। स्पेसिफिक स्पीड को डिनोट करते हैं एनएस से, तो हमें ये निकालना है। और निकालना है स्टेट टाइप ऑफ टर्बाइन। जैसा मैंने आपको सिलेक्शन टर्बाइन के जब मैंने लेक्चर आपको दिखाया था, सिलेक्शन टर्बाइन के एक मैंने वीडियो लेक्चर आपको दिया है, उसमें मैंने आपको बताया था किस तरह से हम टर्बाइन को सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये देख लें, इसका फॉर्मूला लगा लें। फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है। एन एस इज इक्वल टू होता है एन अंडर पी एच 5/4। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल जनरली पूछा जाता है इससे। अगर अब एन कितना दिया हुआ है यहाँ पे, एन दिया हुआ है हमारे पास 135। जैसा मैंने आपको बताया था इस फॉर्मूले में आप समझ लीजिएगा कि कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन को हमेशा आरपीएम में यूज करते हैं, एच को हमेशा मीटर में यूज करते हैं, पी को या तो हॉर्स पावर में यूज करते हैं या हम किलोवाट में यूज करते हैं। अगर हॉर्स दो हमने टेबल आपको बताई थी, एक टेबल में हॉर्स पावर लिखा हुआ था, एक में किलोवाट लिखा था। अगर हॉर्स पावर के हिसाब से स्पेसिफिक स्पीड निकाल लेंगे तो कुछ और आएगी, और किलोवाट के हिसाब से स्पीड एनएस कुछ और आएगा। यहाँ पे हम लेते हैं किलोवाट के हिसाब से। तो एन कितना दिया हुआ है यहाँ पे, एन दिया हुआ है 135। पी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 7,225। एच कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है हमारे पास 25 मीटर 5/4। इसमें जब आप कैलकुलेट करेंगे, ये आप कैलकुलेट तो खुद कर सकते हैं, तो आता है ये वाला 208.28। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, इसको यूनिट में हमेशा ऐसे लिखते हैं। अगर लिखना भी है तो इसमें को लिखते हैं किलोवाट आर, किलोवाट लिखते हैं, किलोवाट आरपीएम ऐसे लिखते हैं इसको बस। अब हम ये देखेंगे टेबल पे कि ये किस रेंज में आ रही है। तो अगर वाटर सिलेक्शन जो मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें अगर आप देखेंगे तो 208 हम इसके अंदर हमने हॉर्स पावर चूंकि यूज किया है, तो हॉर्स पावर के लिए जो है, जो हमारी इसमें टर्बाइन आ रही है वो इसमें एस आई सिस्टम हम लोग यूज करेंगे। एस आई सिस्टम में देखेंगे, एस आई सिस्टम में देखेंगे, तो एस आई सिस्टम में जो है, जो इसमें टर्बाइन आ रही है, हमारी 51 से 255 के बीच में, अगर
अगर इसकी वैल्यू 51 से 255 के बीच में आ रही है तो जो है हम लोग 51 से 225, सॉरी 51 से हमारा आ रहा है 208 आ रहा है, तो 51 से 225 के बीच में जो आ रहा है वो आ रही हमारी फ्रांसिस टर्बाइन आ रही है, फ्रांसिस टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन, तो हम लोग फ्रांसिस टर्बाइन का यूज करेंगे। मेरे ख्याल से सवाल बहुत सिंपल आपको समझ में आ गया होगा, इससे सिंपल सवाल और नहीं हो सकता, केवल हमें फॉर्मूले का यूज करना है, टर्बाइन देखनी है। तो ये हमें टेबल थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी कि हमें किस तरह से टर्बाइन हमको यूज करनी है। एक न्यूमेरिकल मैं इसमें आपको और करा रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल और लिखिए, अभी बड़ा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए एक टर्बाइन, टर्बाइन इस टू ऑपरेट, इस टू ऑपरेट अंडर हेड ऑफ अंडर हेड ऑफ 25 मीटर एट 200 आरपीएम, द डिस्चार्ज इज नाइन क्यूबिक मीटर दिया हुआ है, 9 क्यूबिक मीटर का मतलब होता है 9 मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्यूबिक मीटर सेकेंड दिया हुआ है यहाँ पे, क्यूबिक मीटर सेकेंड, 9 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। इफ द एफिशिएंसी इज, इफ the efficiency is 90%, calculate, कई चीजें निकालनी है इसके अंदर, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन, स्पीड ऑफ टर्बाइन, दूसरा है पावर जनरेटेड, तीसरा हमारे पास टाइप ऑफ टर्बाइन। अब इसका सोल्यूशन देखिए बहुत आसान है, प्रॉब्लम्स करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जितने भी हमें वेरिएबल दिए हुए हैं पहले हम उसको लिख लें। हम देखिए इसमें क्या क्या चीजें दी हुई है, टर्बाइन इज टू ऑपरेट अंडर ए हेड ऑफ 25 मीटर, यानी एच लिख ले, एच क्या है यहाँ पे 25 मीटर, एट 200 आरपीएम, टर्बाइन हमारी ऑपरेट हो रही है 200 आरपीएम से, एट द डिस्चार्ज इज ए 9 मीटर क्यूब पर सेकेंड, डिस्चार्ज मतलब क्यूब, 9 मीटर क्यूब पर सेकेंड, एफिशिएंसी कितनी रखी है 90%। हमें निकालना कैलकुलेट स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन, यानी एनएस निकालना एक तो हमको, और पावर जनरेटेड कितनी पावर जनरेट हो रही है ये निकालना है हमको, और टाइप ऑफ टर्बाइन, यानी हमने कौन सी टर्बाइन हम लोग यूज करते। तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन निकालना है, इसका फॉर्मूला जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था, इसको हम एनएस से हम लोग यूज करते हैं स्पेसिफिक स्पीड को, एनएस स्पेसिफिक स्पीड, एन किससे हम टर्बाइन हमारी घूम रही है, अंडर रूट पी बाई एच 5/4, यहाँ पे हमने बताया था आपको एन क्या होता है आपका आरपीएम में, वो आई हो जाएगा ये एन आरपीएम में है, पी वॉट में होगा और एचपी में होगा, जो मर्जी ले लो आप, और एच किस में है वो मीटर में। तो अब यहाँ पे हमें एन दिया हुआ है, देखिए एन दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, लेकिन पी की वैल्यू नहीं दी हुई, एन दिया हुआ, एच दिया हुआ है, लेकिन वहां पी की वैल्यू नहीं दी हुई, पी दिया है एच दिया है, यानी हमें एन दिया है और पी नहीं दिया हुआ है हमारे पास, पी हमें निकालना है। अब देखिए हमें एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं पी,
देखिए एफिशिएंसी दी हुई है 90%। हमेशा देखिए एफिशिएंसी इज इक्वल टू जो होता है वो होता है पावर डेवलप्ड, कितनी पावर हमारी डेवलप हो रही है ऑब्लिक इनिशियल वाटर पावर, क्या हम इसको तो वाटर पावर ऑब्लिक पी ऑब्लिक वाटर पावर को ये भी कहते हैं कि इनिशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सप्लाइड। काइनेटिक एनर्जी कितनी सप्लाई हो रही है इसका मतलब कैसे, या हम कैसे नोट करते हैं रो इनिशियल एनर्जी लिखो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि रिएक्शन भी हो सकती है और एक्शन और इंपल्स सप्लाई हो सकती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ना लिख करके टोटल एनर्जी सप्लाई लिखेंगे। वो डिपेंड करती है हेड के ऊपर, उसका फॉर्मूला होता है रो क्यू जी एच। अगर आप इसको और थोड़ा सा ब्रॉड में देखें तो जनरली होता है एम जी एच। एम क्या है मास फ्लो रेट, एम डॉट, तो इसको क्या लिख सकते हैं रो क्यू जी एच। एम को क्या लिख सकते हैं रो क्यू मीटर क्यू पर सेकेंड, यानी ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बाई रो क्यू जी एच। क्या है पी क्या है पावर डेवलप हो रही है, ये पावर में निकालना है। अब क्या क्या चीज दी हुई, एफिशिएंसी कितनी दी हुई है 90%, तो देखो 0.90 पी ऑफ में रो क्या है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी कितनी होती है पानी की 1000। क्यू क्या है मीटर क्यूब पर सेकंड में लेते हैं, कितना दिया हुआ है ये 9 दिया हुआ है, जी 9.8। हेड कितना दिया हुआ है हमारे पास, हेड दिया हुआ हमारे पास 25 मीटर, 25 मीटर। तो यहाँ से हम जो है पी निकाल सकते हैं, लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे जो पी आएगा वो वाट में आएगा, कितना आएगा यहाँ पे, यह आएगा आपका करीब 1986। आप कैलकुलेट करेंगे मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 500 वाट आएगा, तो किलोवाट में कितना आया इसको 1000 से डिवाइड कर लीजिए तो 1986.5 किलोवाट। हमेशा फार्मूले में ध्यान रखिएगा, मैं फिर एक बार बता देता हूँ कि रो हमेशा रखा जाएगा यहाँ पे केजी, मैं बहुत इस चीज को बार बार बताता हूँ आपको यूनिट में, क्योंकि लोगों की बहुत गलतियां होती हैं। क्यू आएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड में, जी आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच आता है मीटर में, इसके पी आएगा हमेशा वाट में। ठीक है, ये रो है, दिस इज रो, पी नहीं है। तो ये आए, अब यहां से जो है जब पी हमारे आ गया तो यहां से जो है हम एनएस निकाल सकते हैं, इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट कैसे, एन एस इज इक्वल टू एन अंडर पी एच फाइव। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 200 RPM, पी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 1986.5, एच की वैल्यू कितनी थी हुई है 25। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू इज अराउंड 159.46 किलोवाट आर। अब हमें निकालना है कि कौन सी टर्बाइन हम यूज कर रहे हैं, तो कौन सी टर्बाइन यूज कर रहे हैं, चूंकि 159.46 किलोवाट में है, यानी हम देखेंगे एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम में हमें मालूम है कि अगर कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू अगर 51 से 225 के बीच में आ रही है, बिटवीन 51 से 25 में हम यूज करते हैं फ्रांसिस टर्बाइन,
इस रेंज में यार दिस मीन्स वी शैल यूज फास्टेस्ट टाइम। इस तरह से जो है हम इन सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये जो मैंने आपको बताया है, इसको ध्यान रखिएगा। आप जब भी क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करिए। प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल होती है, केवल बस जरा सा आपको इसमें दिमाग लगाना है। तो मेरे ख्याल से ये मेरा लेक्चर आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेल के थ्रू पूछ सकते हैं, या आप उससे जो है व्हाट्सएप नंबर से प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। इसी तरह मैं आगे और प्रॉब्लम को कराता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।